गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति प्रकाश, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस। इट इज़ अ यूट्यूब चैनल, तो समस्ते चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर सांग मानक, आम मन को फॉलो कर फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम रे। तो आज आम द हिंदू पेपर एनालिसिस करिबा। आज डेट हूँ जून 7 तारीख। ओके, तो इट इज ए फेमस न्यूज पेपर फॉर द स्टूडेंट दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो आज हूँ संडे, तो समस्ते घरे थे। तो किसी मुझे द हिंदू पेपर विषय कह चाहिए, इट इज ए ग्रुप ऑफ हिंदू ग्रुप। ओके, तो हेडक्वार्टर हूँ द हिंदू पेपर चेन्नई तमिलनाडु रे। आटा स्टार्ट होता ना 1878 रे। ठीक अच्छे, तो इट इज द स्मॉल इनफॉरमेशन अबाउट द हिंदू। आ 2018 सुधा ए पेपर। ओके, टोटल 21 लोकेशन आउ 11 स्टेट रे लॉन्च है। क्लियर अबाउट दैट। तो तापरे आमे न्यूज को जीवा, कौन कौन इम्पोर्टेंट न्यूज अच्छी। ओके, कमिंग टू द न्यूज, दिस इज योर फर्स्ट वन। इंडिया कोविड्स टैली फिफ्थ हाईएस्ट इन वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया कोविड टैली, तो समस्त जानते कोविड इज योर कोरोना वायरस। ओके, तो कोरोना वायरस लिस्ट रे इंडिया पंचम नंबर रे पहुंची वर्ल्ड रे। ओके, तो कहा को सी ओवरटेक करी ना स्पेन को। क्लियर, तो ओवरटेक करी कहा को ना स्पेन को। क्लियर, सी हियर ओवरटेक स्पेन। क्लियर, तो इंडिया 5 नंबर पोजिशन पहुँची। तो आम एवं लिस्ट देखा को कंट्री फास्ट रे अच्छा, जमी यूएसए इनिशियल नंबर रे अच्छा समस्त जान, सेकेंड पोजिशन रे ब्राजिल अच्छी, थर्ड पोजिशन रे रशिया अच्छी, यस आर नो, फोर्थ पोजिशन रे यूके अच्छी, देन इंडिया अच्छी। तो टोटल केसेस रा नंबर लिस्ट ये अच्छी, जमी 18,98,401 केसेस इन यूएस, तो 6,14,941 केस इन ब्राजिल, रशिया रे टोटल 4,58,102 केसेस, एंड द फोर्थ वन इज योर यूके यूनाइटेड किंगडम 2,86,992 केसेस। इन इंडिया यू कैन फाइंड हियर द टोटल केसेस अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख है ना, तो 2.5 लाख पाखापाखि केस पहुँची सारी, डेथ हो सारी के 6,941। ओके, तो 6,941 केसेस र डेथ हो सारी इंडिया रे। क्लियर, तो यहाँ हूँ टोटल इनफर्मेसन अबाउट इंडिया रे केते कोरोना भाइरस रो केस है। इंडिया जम्प कर फिफ्थ नंबर केस को, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, समस्ते घरे रुह है ना, गवर्नमेंट रो रूल्स को फॉलो करो। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, द फर्स्ट न्यूज आम कम्प्लीट हो, नेक्स्ट के न्यूज रे पहुँचवा आम, दैट इज योर, ओके, दैट इज योर प्यांगसा। ओके, प्यांगंगसा लेक इन ले डिस्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख रे गोटे डिस्ट अच्छी। ओके, ले डिस्ट रे गोटे लेक अच्छी, दैट इज योर प्यांगसा। ओके, इट इज ए लेक व्हेयर चाइनीज ट्रुप्स, तो बहुत गुड़ाए चाइनीज ट्रुप्स इंडिया को मूव करिचंती। ठीक अच्छे, तो तापाई बहुत बड़ा इश्यू होइछि इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना भितर बड़ इश्यू होइछि काहा को नहीं कि द चाइनीज ट्रुप्स मूव करिचंती। ओके, देयर इज ए कोरोना वायरस पैंडेमिक इन द वर्ल्ड, ऑन द सेम पॉइंट चाइना ट्रुप्स मूव्स टुवर्ड्स इंडिया। ओके, तो इंडिया कौन स्ट्राटेजिकली मूव रहिबो सेटा हमें आगो को देखिबा, बट रिसेंटली इंडियन डिफेंस रो जो मैंने पर्सनल अच्छा कि जो मैंने तापर डिसीजन मेकिंग करी चंती, तो इन फ्यूचर से मैंने कही चंती तापर को नहीं कि फर्दर डिसीजन मेकिंग हबो, तो ऑब्वियसली पेपर रे बहुत दिन किछि दिन बारंबार इशू आसीबो, बट फाइनल डिसीजन कौन हबो आमे सेबे कथा हबा। बट बस मन रख कौन ना, लद्दाख डिस्ट्र गोटे लेक अच्छी
प्यांगोंग सा लेक, तो जोटी की इश्यू होई छी इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्लियर? तो किसी इनफर्मेसन देवा चाहिए गोटे मैप मु देखेबी, तीन टा फेमस पॉइंट अच्छी, तो इट इज ए पार्ट ऑफ ओके। तो जब मुझे जम्मू काश्मीर बनईबी, दिस इज जम्मू काश्मीर, ये सर नो जम्मू काश्मीर, दिस इज लद्दाख, तो ये गोटे पॉइंट, ये गोटे पॉइंट, ओके। तीन टा पॉइंट अच्छी, ईस्टर्न लद्दाख रे यू कैन सी पैंगोंग सा लेक। अनदर पॉइंट इज गलवान रिवर, जोटी गलवान पॉइंट अच्छी, एंड अनदर पॉइंट इज गोरगा पॉइंट, ओके। तो तीन टा पॉइंट कहली, दैट इज योर पैंगोंग सा, ओके, सेकेंड पॉइंट गलवान, थर्ड वन गोरगा। क्लियर? ये तीन टा पॉइंट मन रख, जोटी की ईस्टर्न लद्दाख रे अच्छे, जोटी की मोस्ट सेंसिटिव एरिया इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्लियर? ओके, तो आगो को जहाँ भी आसो आम रिपीट करिया मैप रे, मुझे देखे देउची को जगार अच्छे। सी हियर, दिस इज द एरिया ऑफ गलवान रिवर, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्यांगोंग सा लेक। क्लियर? सो दिस इज द टू पॉइंट, गोरगा इज ऑल्सो सिचुएटेड दैट इन ईस्ट ऑफ लद्दाख। तो दिस इज द पॉइंट यू कैन सी, दिस इज द पॉइंट, ओके, जस्ट अ मिनट, दिस इज द पॉइंट, ओके। सो दिस इज द जम्मू काश्मीर, स्टेट जम्मू काश्मीर, यस आर नो, दिस इज नेपाल, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ओके, दिस इज द पाकिस्तान एरिया। क्लियर? दिस इज द पीओके एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर, यस आर नो, ओके। सो विल कम गो टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट को आम जीवा, तो नेक्स्ट न्यूज आम पाखे कौन अच्छे, नेक्स्ट आसवा सम टर्म रिलेटेड टू कोविड 19। तो जो पैंडेमिक चली कोरोना वायरस, ओके, 2019 ता रिलेटेड किसी टर्मिनोलॉजी, तो पेपर किसी गुड़ाए स्क्रीनशॉट मु रखी जोटा आम डिस्कशन करवा। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर ओएस एग्जाम, खास करके एसे पेपर पर तुम हेल्प कर, बहुत खास करके हेल्प कर, आ मेन्स भी जदि किसी एग्जाम क्वेश्चन आसे तुमको हेल्प कर। तो आम जा आर्टिकल उपरको, आर्टिकल कौन मेनसन अच्छे देखा, ओके, कोविड 19 टर्म, कोविड 19, ओके, सी ओ भी आई डी, तो कोविड रो नेमिंग, ओके, किए करी, दिस इज डन बाय, ओके, जस्ट ए मिनट, कोविड 19 टर्म नेमिंग बाय WHO, ओके, सी ओ फॉर कोरोना, वी आई फॉर वायरस, डी फॉर डिजीज, तो कोरोना वायरस डिजीज एंड कोविड 19, व्हाई 19, बिकॉज ड्यू टू इट इज स्टार्टेड इन द ईयर 2019 फ्रॉम द इवान सिटी ऑफ चाइना। तो इवान रो, इवान सिटी चाइना रु स्टार्ट हेतिला कोविड 19, तो सेति पई WHO नेमिंग देची कोविड 19। तो कोविड रो भी कोरोना वायरस रो अदर नेम अछि, ओके, तो ताकू ना देची किए, दैट इज योर SARS-2, ओके, SARS-CoV-2, ओके, SARS स्टैंड्स फॉर सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ओके, सो यू कैन ऑल्सो नोन एज SARS-2, ओके, SARS-2, इट इज ए न्यू मॉडल ऑफ रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ओके, SARS एक्चुअली इट इज अनदर डिजीज, इट इज इनिशियली स्टार्टेड इन द ईयर 2003, ओके, इट इज आउटब्रेक इन ईयर 2003, सी हियर, इट इज द पॉइंट यू कैन फाइंड हियर, ओके, एंड SARS-CoV-2 नेमिंग बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, द इंटरनेशनल ICTV, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस
अनाउंसड और नेमिंग द सार्स कोव टू नेम। ओके तो दुटा ना जानले आम कोविड 19 वन नेम इज कोविड 19 क्लियर अदर नेम इज सार्स कोव टू। तो दुटा ऑर्गेनाइजेशन मिसिकी ना ओके कोरोना वायरस रो ना देचंदी यू हैव टू रिमेंबर। ओके वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू आसीबो आल्सो फॉर द मेंस। ओके तो मेंस रे जदी एसे आसीबो ताधरे केमती लिखा जीवो। ओके यू हैव टू प्रिपेयर। तो तापरे आम कि टर्म देखा। ओके टर्म रिलेटेड टू सार्क क्लियर तो टर्म पाख जीवा फर्स्ट वन तो आसीगला पैंडेमिक। ओके व्हाट इज पैंडेमिक। पैंडेमिक व्हेन ए इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज राइज अबव द एक्सपेक्टेड लेवल इन द पर्टिकुलर कम्युनिटी और ज्योग्राफिकल एरिया इट इज कॉल्ड पैंडेमिक। द आउटब्रेक स्टार्टेड इन युहान सिटी इन हुबेई प्रोविंस इन चाइना विथ व्हाट सीम्ड दैट देन एज ए क्लस्टर ऑफ निमोनिया लाइक केसेस। ओके तो से एक्सप्लेन करिसेंती जेमती कि पैंडेमिक कौन कह जाए जदि मु वर्ल्ड मैप नेबी। ओके फॉर एग्जांपल आई जस्ट ड्रॉ ए रफ डायग्राम नॉट बी पर्टिकुलर इट इज नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया। ओके इट इज हियर यू कैन सी इट इज युहान सिटी ऑफ चाइना। ओके तो इट इज द युहान सिटी ऑफ चाइना। तो युहान सिटी ऑफ चाइना रु स्टार्ट हला गोटे पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया रु स्टार्ट हला तो युहान सिटी रु अलग अलग प्रोविंस को बेजिंग। ओके अलग अलग प्रोविंस हांगकांग को मूव कला तो दैट इज कॉल्ड एज पैंडेमिक। सिमिलरली अनदर टर्म इज देयर नंबर टू पॉइंट। ओके सॉरी एपिडेमिक। ओके तो गोटे ज्योग्राफिकल एरिया को आउ गोटे ज्योग्राफिकल एरिया को मूव कर दैट इज योर एपिडेमिक। तो सेकेंड पॉइंट आस ना पैंडेमिक। ओके सी हियर इट इज द पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स ए ग्लोब एपिडेमिक। तो ये कनसीडर करा पड़ इट इज ए ग्लोब मीन्स नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। इफ इफ समथिंग मूव्स ओके फ्रॉम कंट्री टू कंट्री तो जितने मूव होता फर्स्ट टाइम युहान सिटी रु चाइनार हांगकांग को बेजिंग को तो इट इज इन चाइना बट व्हेन दैट स्प्रेड टू इटली टू स्पेन टू नॉर्थ अमेरिका टू अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया टू न्यूजीलैंड टू ब्राजील टू अर्जेंटीना तो इट कवर्स टोटल ग्लोब तो इट इज नोन एज ए पैंडेमिक। तो पैंडेमिक रो कांसेप्ट जानी परलो एपिडेमिक रो कांसेप्ट जानी परलो दीज आर द टू थिंग्स। ओके तो केबे ऑन जनवरी 30 डब्ल्यूएचओ तो डब्ल्यूएचओ जनवरी 30 तारीख दिन ओके पब्लिक इमरजेंसी इंटरनेशनली अनाउंस कला एंड मार्च 11 ओके 11th ऑफ मार्च मार्च 11 तारीख 11 तारीख दिन डब्ल्यूएचओ डिसाइडेड एज ए पैंडेमिक। तो पैंडेमिक हिसाब से मार्च 11 तारीख दिन डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर कला जे कोरोना वायरस इज ए पैंडेमिक। ओके देन कमिंग टू द थ्री थर्ड नंबर टर्मिनोलॉजी दैट इज योर आरओ। ओके आरओ मीन्स आर नॉट। ओके वेदर अ पैंडेमिक ओके कैन ऑकर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिडेमिक। तो जितेबले कौन हम ना पैंडेमिक मूव कर। ओके तो रिप्रोडक्शन नंबर रे इनक्रीज हम न्यू इनफेक्शन स्टार्टस हम ये सर न तो इंडिया रो रिसेंटली आरओ। ओके आरओ रो रेंज केते अच्छी ना 1.22 अच्छी क्लियर। सो इट इज ए मीन्स इट इज द इनफेक्शन रेट केते लेवल रे को कंट्री रे को रेट रे ग्रोथ करुच। तो इंडिया रे रिसेंटली रेंज अच्छी केते ना 1.22 क्लियर। तो टू एबव बेले दैट इज वेरी सीवियर बट आम ठीक अच्छे। ओके इट्स ओके बिकॉज़ ड्यू टू द लॉकडाउन बट आगो को हमको बहुत सतर्क होवार अच्छे बिकॉज कम्युनिटी स्प्रेड इज ऑल्सो देयर। तो आम आगे देखा से टर्म कौन। ओके तो कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करिया हमें तो नेक्स्ट पहुँचवा कोमोर्बिड। ओके कोमोर्बिडिटीज। ओके सो इट इज ए कोमोर्बिडिटीज मीन्स किसी लोक था जो मन को हाइपर टेनसन थाए कैंसर थाए ओके ओबेसीटी थाए लंग्स डिजीज थाए तो से मानाई दिस कोरोना भाईरस इज आट। ओके इज ए भेरी रिस्क डिजीज तो दिस पेसेंट पुट ओके पुट पेसेंट्स आट ए ग्रेट रिस्क। तो जो मन को डायबिटीज थी कैंसर थी तो से बहुत जल्दी से इनफेक्टेड हे
तो तांको पाई बहुत केयर नबा को पड़िबो यस और नो हेल्थ मैनेजर्स को अपॉइंट करिया पड़ियो जो माने से मानको पाई स्पेसिफिक ओके केयर नेबे तो डेथ कमीबो नहले ओके डेथ रो नंबर भी बहुत इंक्रीज हबो क्लियर तो कोमॉर्बिडिटीज व्हाट इज अंडरस्टैंड टर्म बुझियला तो देन कमिंग टू द ट्रांसमिशन इट इज वेरी इजी वर्ड ट्रांसमिशन मींस स्प्रेड हबो ओके तो गोटे लोकठू आ गोटे लोकठू स्प्रेड हवा को खास कर ट्रांसमिशन को आ जाए और ट्रांसमिशन कौथिरे हुए थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ओके जमती काश छिंक हला तो कथा भी हेले कि कथा जोर से हेले तो ताधर जो ड्रॉपलेट्स बाहर ताधर भी ट्रांसमिशन हब ओके तो कमिंग टू द नेक्स्ट लाइक द पॉइंट टॉकिंग लाफिंग ओके स्नीजिंग सो दीज आर द प्रोसेस द कोरोना भाइरस स्प्रेड ओके सो कमिंग टू द व्हाट इज द मीन्स आमे केमती ताठू रक्षा पाइबा कि आमे केमती निजको सेफ करिबा वाशिंग द हैंड्स ओके हाथ को धोया को पड़िबा वाटर इन सफिशिएंट वे ओके जस्ट यूज द हैंड वाश यस नो सोप तो आमको बहुत हेल्पफुल हब देन कमिंग टू द नेक्स्ट सिक्स नंबर टर्म दैट इज योर कम्युनिटी ट्रांसमिशन ओके सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज द हायर थिंग यू कैन फाइंड ओके व्हेन यू कैन नो लॉन्गर टेल हाउ सम कॉन्टैक्ट समवन कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज तो केमिति कहा को होचे सेठी आउ तमे लोक ट्रेस करि परिबोनी कम्युनिटी भीतर ट्रेस हे परिबोनी बिकॉज़ कम्युनिटी स्प्रेडिंग मींस द ऑल ओवर द कोठ भी तमको हे पारे द कम्युनिटी स्प्रेड इज द मोस्ट लास्ट थिंग अबाउट द पैंडेमिक तो इंडिया रे से लेवल रे हमें पहुंची नांती ठीक अछि तो सेठी आउ तमे लोकन को ट्रेस करि परिबोनी कहा को रोग होबो कहा को होबोनी बट इंडिया टिल एबे जाय तो ठीक रे अछि बट आगो को ठीक हब वी थिंक बिकॉज लॉकडाउन इज देयर बट कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज द लास्ट स्टेज यू कैन सी तो बहुत गुड़ाए लोक कंटिन्यूसली पर डे ओके पर आवर रे बहुत गुड़ाए लोक इन्फेक्टेड हेबे क्लियर सो कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सेवेन्थ नंबर टर्म आइडेंटिफाई एंड मॉनिटरिंग पीपल हु मे हैव नॉट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टिटियस ओके पर्सन तो जो मैंने ऑलरेडी हो सारी ओके जो मैंने पॉजिटिव केस बाहर तो से मैंने को लोकों को ओके को लोकों को से मैंने टच करी को लोक पाखे आसी ओके संस्पर्श से तो से मानको ट्रैक करिया को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जाए ओके तो सबुठ बेस्ट जो मैंने पॉजिटिव केस बाहर तांको सेल्फ क्वारंटाइन करा जाऊ तो तार सल्यूशन ही सेटा ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज योर सुपर स्प्रेडर हु इज सुपर स्प्रेडर ए पर्सन ओके कॉजेस मोर इन्फेक्शंस ओके तो जड़े आसूची तार पॉजिटिव केस बाहर बट सी क्वारंटाइन रहा बट जे क्वारंटाइन रोनि बहुत मूव करुचे तो सी बहुत लोक कंटाक्ट आसी तो सी बहुत लोक स्प्रेड करेब कोरोना भाइरस तो से पर्सन को कौन कह सुपर स्प्रेडर ओके तो ह्यूज रोल इन ट्रांसमिशन तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन से पर्सन द्वारा हम क्लियर देन कमिंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट इज द पॉजिटिविटी रेट ओके व्हाट इज पॉजिटिविटी रेट विल सी पॉजिटिविटी रेट कौन तो आम जो टेस्ट करा जीवो जो मैंने टोटल पॉपुलेशन थे गोटे एरिया रे ठीक अच्छे तो से एरिया रे केते पॉजिटिव रेट बाहर केते पॉजिटिव केस बाहर कोरोना भाइरस ताको पॉजिटिविटी रेट कहा जाए क्लियर देट इन्फेक्शन फाटालिटी रेट इट इज ए अनादर टर्म रिलेटेड टू कोरोना भाइरस ओके तो ए टर्म हिसाब से कौन हो पर्टिकुलर एरिया रे केते पर्सनस अच्छा आउ केते डेथ हो ठीक अच्छे इवन इफ माइग्रेशन पॉपुलेशन को भी एथरे इनक्लूड करा जीवो ओके तो माइग्रेशन पॉपुलेशन भी आसते चलो ओके तो एथरे कौन हम ना एथरे कैलकुलेट हो पार जे ओके फर्टालिटी रेट के गोटे पर्टिकुलर एरिया रो क्लियर ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज योर केस फर्टालिटी रेट ओके तो कन्फर्म केस के गोटे एरिया रे टेस्ट हेला दैट इज योर केस फर्टालिटी रेट देन कमिंग टू द 12th नंबर टर्मिनोलॉजी दैट इज योर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ओके सारी
ए रेस्पिरेटरी डिजीज, तो यहाँ गोटे कौन रेस्पिरेटरी डिजीज। ओके सो रेस्पिरेटरी डिजीज हूँ तो मेथड कौन हम ना ट्रांसमिशन केमती हम ना ट्रांसमिशन हम थ्रो ट्रांसमिशन थ्रो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ओके तो लाफिंग होगला टॉकिंग होगला यस और नो, तो ये द्वारा ब्रीदिंग होगला, तो ये गुड़ा प्रोसेस होची जोटी की ट्रांसमिशन मेथड। ओके ट्रांसमिट करिवो। ओके सो इट इज ए वेरी कॉमन थिंग इन कोरोना वायरस जमती मु कहि छी नॉर्मल स्टार्टिंग रु, तो कथा हबा सोशल डिस्टेंसिंग रखिबा एटा ही गोटे बाटो जथरु को आमे निजो को सेफ करि परिया। ओके नेक्स्ट टर्म पाखो जिबा, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर साइटोकाइन स्टॉर्म। ओके इट इज वेरी इंपोर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर जेते बेले भी आमो किछि डिजीज हुए जेमती कोरोना वायरस इज ए न्यू डिजीज, आज पर्यंत ता पई वैक्सीनेशन बाहरिनी, तो जेते बेले ओके फॉर एग्जांपल जेते बेले तमे एग्जाम दउछ कोन होउछि एग्जाम रे कोन होउछि ना तमे एग्जाम रे किछि जिंस जानिनो ठीक अछि, बट मते तो मार्क आनिया रहछि तो कोन करिवो ना एग्जाम रे मते मार्क आनिया पई मु से क्वेश्चन रो आंसर किछि भी लिखि पारे है नै, तो किसी भी आंसर लिखी पारे एनीथिंग आई कैन राइट। ओके सेम प्रोसेस हैपेंस इन आवर बॉडी, तो गोटे सेम थिंग हैपेंस इन आवर बॉडी दैट इज साइटोकाइन स्टॉर्म। ओके तो मीन्स कौन साइटोकाइन स्टॉर्म, ओके इट इज ए इम्यून रिएक्शन सिस्टम, तो इम्यूनिटीज पावर। ओके किसी प्रोटीन्स हम ओके जोटा कि आम ब्लड को कंटिन्यूअसली फ्लो करिवो, ओके कंटिन्यूअसली फ्लो करिवो किसी प्रोटीन आम बॉडी ब्लड्स को फ्लो करिवो। ओके देन कौन हबो ना कंटिन्यूअसली जो फ्लो करिवा स्टार्ट करिवो, ओके दिस टाइम जोटा कि आम जानी चंती, ओके यदि आमको किसी रोग हो बट बॉडी जानी पारुनु जे कौन है तो मैक्सिमम प्रोटीन आसिले दैट कॉजेस हार्म, तो यहाँ हार्म भी करिपारिवो बॉडी को। ओके इवेंचुअली इट इज कॉज डेथ, ओके तो मनीष मरी भी पारे एथपाई ठीक अच्छे, तो कौन कौन प्रोसेस रोचे एथरे कौन हम ना साइटोकाइन जो मैक्सिमम ब्लड्स को आसीबो, ओके इट इनक्रीज टेम्परेचर बॉडी रा टेम्परेचर इनक्रीज हो, ओके हार्ट बीट रा रेट बहुत इनक्रीज हो, ओके ब्लड क्लॉट हवा स्टार्ट करिवो ब्लड क्लॉट्स इन द सिस्टम्स। ओके तो गोटे जिनस हम आ लास्ट थिंग ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी बहुत मिनिमम हो, ऑक्सीजन यूटिलाइज करें ब्लड तो बहुत जिनस कौन हम ना फेल्युअर्स हम स्टार्ट हम ऑर्गन फेल्युअर्स हम, ओके इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो पारे तो जोटि की ब्लड ओके मल्टीपल ऑर्गन फेल्युअर्स हम डेथ भी हो पारे, सो दिस इज ए प्रोसेस, तो ये डेथ एक्चुअली कोरोना वायरस पे नुहे बट ड्यू टू द एक्सेस साइटोकाइन। ओके तो एक्सेस साइटोकाइन हेले ए प्रकार रो डेथ भी हो पारे, सो यू हैव टू रिमेम्बर इट इज ए प्रोसेस हैपनिंग इन द कोरोना वायरस बिकॉज़ ड्यू टू इट इज ए न्यू टाइप जेहेतु नुआ टाइप रा वायरस तो ए प्रकार भी प्रोसेस हो पारे क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट आम देखा कौन ना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR। ओके तो इट इज ए प्राइमरी टेस्ट टू डिटेक्ट कोरोना वायरस, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रे ए टेस्ट रु ही स्टार्टिंग हुए। ओके इट इज वेरी सेंसिटिव टेस्ट, स्वाब नमूना ओके संग्रह करा जाए कोठु ना ओराल रु नासाल रु, ओके फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरल आरएनए आरएनए को नहीं कि सेडी डिसाइड करा जाए यू हैव कोरोना वायरस और नॉट क्लियर। देन एंटीबॉडी टेस्ट अनदर टेस्ट इज देयर एंटीबॉडी टेस्ट करा जाए, ओके एंटीबॉडी टेस्ट इज हेल्पफुल फॉर द ओके फाइट ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को तुम कहते फाइट करियो से आमको हेल्प कर। ओके तो इम्यूनिटी सिस्टम तुम कैसे स्ट्रांग अच्छी सेटा भी ए एंटीबॉडी स्टेट रे क्लियर हो कंप्लीट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज योर प्लाज्मा थेरापी हेल्प कर कौन ओके कोविड 19 की जो मैंने कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो सारी ऑलरेडी से मैंने भल हो सारी तांका प्लाज्मा को नहीं कि यूटिलाइज करा जाए पारिबो किछि लोकंकु, ओके सेथिरु हेल्प भी करा जाए पारिबो आउ लोकंकु कोरोना वायरस रु बाहर भी करा जाए पारिबो, ओके दैट इज नोन एज प्लाज्मा थेरापी क्लियर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ओके इट इज ए टैबलेट वेरी फेमस वन बहुत दिन न्यूज रे थिला समस्ते जानिछ इट इज ए एंटी मलेरिया ड्रग यस और नो, तो इट इज ए एंटी मलेरिया ड्रग
ये किसी मात्र हेल्प क्या लोक मूल जो मैंने ओके किसी लोक मूँ कोरोना भाईरस डॉक्टर्स मैंने इवेन इफ किसी रिलेटिव जी संस्पर्श से आसुंच तो से ओके रेफर करा जाए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाइबापी जो थे कि ओके एंटायरली भल हेबनी कोरोना भाईरस बट जो मैंने छुंच कि सहित संस्पर्श से आसुंच से टैबलेट्स ने इनफेक्शन होबार चांस कम क्लियर तो आम देखा इमेज दिस इज योर टैबलेट ओके सी हियर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन S200 ओके क्लियर देन कमिंग टू द नेक्स्ट ओके देन दैट इज ए फ्लैटनिंग कर्व ओके तो यहाँ कौन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू कोविड केसेस डे ऑन डे तो आगे जो केसेस कमी जीव तो ये टर्म यूज हवा स्टार्ट येस नो देन हर्ड कम्युनिटी व्हाट इज हर्ड कम्युनिटी हर्ड कम्युनिटी मीन्स ओके इट इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इम्युनिटी मीन्स आम कम्युनिटी भितर लोकंर कमी इम्युनिटी बढ़ेगा रिडक्शन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद इन ए पॉपुलेशन ऑफन बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपोजर टू द वायरस और वैक्सीनेशन तो प्रोसेस होची वैक्सीनेशन आसीबो एबे जें तो वैक्सीनेशन आसीनी बट आसीला परे आमे कम्युनिटी स्प्रेड को डिक्रीज करि परियो एंड द लास्ट वन दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इट इज द किट खास करके डॉक्टर माने यूज करि थांदे जो माने मैक्सिमम टाइम कोरोना वायरस पेशेंट को सहित कांटेक्ट रे आसी थांदे तो पीपीई किट इज ए वेरी इंपोर्टेंट एंड वेरी ओके यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स से मानकर लाइफ सेव करवाई अल्सो से मैंने रोगी केयर भलसे नहीं पारे आफ्टर यूजिंग द पीपीई किट इंडिया रे अच्छी ओके बहुत मात्रा रे अच्छी बट बहुत मात्रा रे बट आगु देखा जीव व्हाट इज द स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना भाइरस तो ताको लक्ष्य करके देखा जीव जे आमको आउ पीपीई किट केते दरकार आमे हेल्थ फैसिलिटी उपर केते भलो करि परिबा दैट इज आवर एम यस और नो तो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दरकार खास करके हेल्थ सेक्टर उपर दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन हेल्थ सेक्टर ओके सो कोरोना वायरस टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हेची देन आसीबा नंबर 4 रे कोन अछि सो नंबर 4 न्यूज होची हमजा कोया पास्ड अवे ओके हमजा कोया इज ए संतोष ट्रॉफी प्लेयर ओके तो मत गोटे क्वेश्चन मो माइंड रे आछ संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू डैश लाइक रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट सिमिलरली संतोष ट्रॉफी ड्यूरांट कप यस और नो सुब्रतो ट्रॉफी दीज आर रिलेटेड टू फुटबॉल ओके दीज आर रिलेटेड टू फुटबॉल दैट इज ए वन टाइप ऑफ एमसीक्यू फॉर एसएससी एंड रेलवे जोटा कि आगे एग्जाम हम हेल्प कर ठीक अच्छे एंड ही प्लेड फॉर महाराष्ट्र पर खेलुले बट तर डेथ होती केरल ओके डेथ होरल से महाराष्ट्र तरफ खेलुले ओके फुटबॉल संतोष ट्रॉफी विनर आ फास्ट पर्सनल इन द स्पोर्ट्स पर्सन हुज डेथ ओके इन द कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस रे इंडिया रे फास्ट स्पोर्ट्स पर्सन कहार डेथ होई इज हमजा कोया क्लियर ओके सो सी हियर इज द पर्सन हमजा कोया इज द पर्सन सी हियर यस और नो सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन ओके थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ओके ओएसर मेन्स आगो को हम भलसे पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर दियो कारण बहुत गुड़ा टॉपिक आम आगो को भी डिस्कशन करीबा ओके थैंक यू।